छोटे बच्चे किस कदर हिंसा के शिकार हो रहे हैं, इसका ताजा उदाहरण इंदौर में सामने आया है। सुदामा नगर स्थित न्यू पब्लिक स्कूल के गेट के पास दो छात्रों में चाकूबाजी हुई और चौंकाने वाली बात यह है कि नौवीं कक्षा का छात्र 13 वर्षीय था और उसने सातवीं और दसवीं कक्षा के दो छात्रों पर चाकू से हमला कर दिया। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार नौवीं के छात्र ने सातवीं के छात्र दीपक को धमकाया और खर्चे पानी के लिए पैसे मांगे। छात्र के मना करने पर आरोपी छात्र ने बैग से चाकू निकालकर उस पर हमला कर दिया। इस पूरी घटना ने यह साबित कर दिया है कि छोटे बच्चे भी किस तरह से दादागिरी का शिकार हो रहे हैं। दसवीं के छात्र ने जब सातवीं के छात्र को बचाने की कोशिश की तो आरोपी छात्र ने उसे भी चाकू मार दिया। दोनों को अस्पताल ले जाने के बाद अस्पताल में इलाज के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई, लेकिन सवाल इस बात का है कि छोटी उम्र में बच्चे इस तरह से कैसे चाकूबाजी कर रहे हैं। पुलिस द्वारा आरोपी छात्र को पकड़ लिया गया है, लेकिन वह नाबालिग है। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्कूल के अंदर भी अब दादागिरी का माहौल बनता जा रहा है, जहां बच्चों से पैसा मांगा जाता है।